जिला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो नकली सोना को असली बताकर इंडियन ओवरसीज बैंक में गिरवी रखकर 14,39,000 रुपए का आरोहण कर हेरा फेरी किए थे। पुलिस ने मामले में नकली सोना को असली बताकर जौहरी सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी सरगर्मी से खोजबीन की जा रही है। दरअसल यह सारा घटनाक्रम 24 जुलाई 2017 से 19 सितम्बर 2017 के मध्य अलग अलग तिथि में सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। आरोपीगण आभूषण के मूल्यांकन करता सराफा कारोबारी महामाया ज्वेलर्स के संचालक अरुण मजुमदार ने गोल्ड लोन लेने वाले श्यामलेंदु मुरीदास, श्यामल दास और सतलोजा दास के द्वारा ऋण लेते समय जो सोना बैंक में समक्ष प्रस्तुत किया गया उसे असली बताकर प्रमाणित व मूल्यांकन कर दिया। गोल्ड लोन प्राप्त करने के उपरांत इसके बचत खाते में आए रकम को अरुण मजुमदार के खाते में 10,19,000 रुपए उसी दिन ट्रांसफर व जमा कराया गया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब बैंक में जमा सोना का सत्यापन बैंक द्वारा आभूषण मूल्यांकन करता मुरलीलाल 1 दिसंबर 2018 को कराया गया। तब उन्होंने सोना को नकली पाया। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक NC देवी सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा स्थानीय शाखा प्रबंधक नंद किशोर बोद्रा के माध्यम से रामपुर चौकी में 12 दिसंबर को लिखित शिकायत कराई गई। रामपुर चौकी प्रभारी SI राजेश चौनल सिंह ने शिकायत में तेजी लाई। जांच में पाया गया कि आरोपियों द्वारा एक राय होकर अवैध सदोष लाभ अर्जित करने तथा बैंक को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से बेमानी पूर्वक नकली सोना जमा कराकर 14,39,000 रुपए का सदोष लाभ प्राप्त किया। जांच के उपरांत ठगी का जुर्म दर्ज कर आरोपी अनूप मजुमदार, श्यामल दास, सरुता दास को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया। एक आरोपी श्यामलेंदु मृता फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला 2017 जुलाई और सितंबर के बीच का था। यहाँ एक इंडियन ओवरसीज बैंक है टीपी नगर यहाँ रोड में, जिसमें से आरोपीगण जो है अनूप मजुमदार, श्यामलेंदु मृता, श्यामल दास और सरुता दास, इनके द्वारा कुछ गोल्ड जो नकली सोना है उसको बैंक में रख करके गोल्ड लोन लिया गया था। गोल्ड लोन का रकम करीब 14,39,000 के आसपास था। मामले में जब इनके द्वारा एक साल के भीतर लोन नहीं पटाया गया और बीच में बैंक के द्वारा इंस्पेक्शन जब इनका दूसरे गोल्ड जो ज्वेलर से कराया गया, इंस्पेक्शन के दौरान जो गोल्ड था जमा किया गया था वो डुप्लीकेट पाया गया था। बैंक के द्वारा शिकायत रामपुर चौकी में किया गया था। शिकायत जांच पर आरोपी के खिलाफ में जो एक मिली भगत करके बैंक से 14,39,000 रुपये रकम गबन करना पाया गया है। 3 आरोपी अनूप मजुमदार, श्यामल दास और सुरता दास को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। एक आरोपी श्यामलेंदु मृधा जो फरार है उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वारदातें किस तरह अंजाम दिए थे इन्होंने और क्या वेलवर शामिल था उस वारदात में? ये इसमें जो 3 जो लोन लेने वाले थे, श्यामलेंदु मृधा, सुरता दास और अनूप मजुमदार, सॉरी सुरता दास, श्यामल दास और श्यामलेंदु मृधा, ये तीनों आपस में क्लोज रिलेटिव है। बैंक में एक वैल्यूअर था जो गोल्ड का सर्टिफाई करता था, अनूप मजुमदार महामाया ज्वेलर संचालक था। इनके द्वारा इनके साथ मिल करके नकली सोना को ये असल रूप में पहचान कराया था और बैंक में जमा कराया गया था। सर जो आरोपी गण है जो उसके कुछ दुकान है क्या सोने चाली गए? हाँ, इनका निहालता रोड में एक महामाया ज्वेलर करके शॉप है।